मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत में शुक्र से। सब्र वक्त मांगता है और वक्त सब्र मांगता है। मैंने पूछा, कब तक सब्र करना पड़ेगा? मुझे जवाब आया, तुम क्या जानो, शायद वादे का वक्त करीब हो। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं देता तो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ देता है और उससे बेहतरीन कोई साथी नहीं। सब्र ऐसी चीज़ है जो किसी का भी गुरूर तोड़ सकती है। जो लोग सब्र रखते हैं या फिर जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। हर खामोशी अना नहीं होती, कुछ खामोशियां सब्र भी होती है। ऐन मुमकिन है कि तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मुकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें नवाज दिया जाए। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। हज़रत अली ने फरमाया, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी की कदमों में ना किसी की नज़रों में। सब्र के मायने ये है कि मुश्किल तो हो लेकिन किसी से बयां ना किया जाए। दुआओं में इतनी ताकत होती है कि यह अल्लाह से अपनी बात मनवा लेती है। फिर मसला नसीब का हो या किस्सा माजी, अधूरी कहानी हो या मुकम्मल काम, अल्लाह हमारी आहटें भी सुनता है और पुकार भी, बस वो आपका सब्र आजमाता है। जब तुम पर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जो तुम्हारे पास से बाहर हो तो सब्र करो और अल्लाह की तरफ से खुशखबरी का इंतज़ार करो। सब्र का रास्ता चुन लो, सब्र की मंजिल जन्नत है। परेशानी तज़गीरा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। दर्द जब हद से बढ़ जाए तो इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। जब ज़मीन तुम्हें तंग लगे तो आसमान की जानिब देखना, ना माँकों से और कहना, अच्छा तो ऐसे राज़ी है तो मैं भी ऐसे ही राज़ी हूँ। जो तकलीफ़ हम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरों को भी ना देना। आप हमेशा जब भी कोई काम करें तो बेहतरीन करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जो बोएंगे आखिर वही काटेंगे। सब्र की एक शर्त होती है, ये सिर्फ उस मुसीबत पर किया जाता है जिससे निकलने का रास्ता मौजूद ना हो। किसी का मुसलसल सब्र आजमाना भी गुनाह है। हर खामोशी अनाह नहीं होती, कुछ खामोशियां सब्र भी होती है। तुम ये ख्याल करते हो कि तुम पर जुल्म किया जा रहा है, हालांकि वो राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। वो तुम्हारी तड़प को जानता है, तुम्हें समझता है, बस वो तुम्हें आजमाता है ताकि तुम दुनिया की ज़िंदगी में सरगुरू होकर आखिरत के बुलंद तरीन मुकाम हासिल कर सको। आज मुश्किल वक्त पर अगर तुम सब्र कर रहे हो तो कल सुकून और खुशी तुम्हारे मुकद्दर होंगी इंशाअल्लाह। और क्या पता अल्लाह को तुम्हारे सब्र इतना पसंद आ जाए कि वो तुम्हारी मांगी हुई हर दुआ पर कुन कह दे। सुनो, सब्र करो, अल्लाह आपके दिल की सुनता है, आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो। सब्र होता नहीं है, सब्र किया जाता है, और सब्र यही होता है कि अपने अंदर मचलते हुए हर तूफ़ान को खुद में थाम के उसके ख़त्म होने का इंतज़ार करना, अपनी शिद्दतों को खुद में इस तरह कैद कर लेना कि मामला सिर्फ अल्लाह का रह जाए। सब्र रखो, उस रब के घर देर है अंधेर नहीं। वो देर कर रहा है तो तुम सब्र भी तो कर सकते हो। वो फौरन नहीं सुन रहा है तो तुम इंतज़ार भी कर सकते हो ना। अगर उसे तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है तो तुम मायूस होने के बजाय दुआओं का वक्त भी तो बढ़ा सकते हो ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिल पर रोज़ डाल कर सब्र करेगा अल्लाह भी उसे सब्र देगा।
जो खुद नहीं बोल पाता उसका सब्र बोलता है। जो लोग नुकसान पर सब्र व शुक्र सीख लेते हैं, अल्लाह पाक उनके नुकसान को नफा में बदल देता है। जब यकीन की डोर अल्लाह पर छोड़ दी जाए तो फिर अल्लाह अपने बंदों को रुसवा नहीं करता। अल्लाह ताला से ना उम्मीद नहीं होना चाहे, क्योंकि हर दुआ की कबूलियत का वक्त होता है और जब वो देता है तो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा देता है। जब रब राज़ी होने लगता है दो बंदों को अपनी ऐबों का पता चलता है, चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत से पहली निशानी होती है। जो अंधा भरोसा तुम लोगों पर करते हो वो कभी अल्लाह पर करके देखो, यकीन करो वो ना भरोसा तोड़ेगा और ना ही तुम्हें कभी टूटने देगा। अगर अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल कर रहा है तो वो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। अगर दुआ कबूल होने में ज़रा देर कर रहा है तो वो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है। अगर तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा है तो वो तुम्हें आजमा रहा है, इसलिए दुआ मांगना। याद रखो अल्लाह ताला की मदद और नसरत सब्र के साथ ही है और हर तकलीफ और हर मुसीबत के बाद खुशहाली है और हर मुश्किल के बाद आसानी है। जिस शख्स को अल्लाह के हर काम में हुक्मत समझ आए वो ज़िंदगी में किसी भी वाक़े को नुमाया होने पर शिकवा नहीं करेगा। अगर किसी ने अल्लाह को पाना हो वो सब्र करने लग जाए तो उसका काम बन जाता है, जबकि लोग उसके लिए दरूद वजीफे करते हैं, नाक लगड़ते हैं, लेकिन अल्लाह को सब्र करने वाले पालते हैं। जिन रास्तों पर तुम्हें अल्लाह लेकर जाता है उन रास्तों पर तुम अकेले नहीं चलते, बल्कि वो तुम्हारे साथ चलता है। जब वो गम के हालात पैदा करता है वो तुम्हें उन हालात से लड़ने की हिम्मत देता है और ना तुम्हें खुशी में तन्हा छोड़ता है और ना ही गम में।